दिल्ली में बीजेपी का दो दिवसीय महामंथन खत्म। अमित शाह बोले 2024 में ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल करें ताकि विपक्ष चुनौती देने से पहले 10 बार सोचे। गृहमंत्री अमित शाह ने राम मंदिर अभियान से जुड़ने को आह्वान किया, कहा एक एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में करे कार्यक्रम। अमित शाह ने कहा कमजोर बूथ की पहचान कर मजबूत करें, नए मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में करने पर हो फोकस। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की संगठन मंत्रियों के साथ बैठक, 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन। 2024 से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 12 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। प्रियंका गांधी संगठन का काम देखेंगी। मुकुल वासनी को गुजरात और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। अविनाश पांडे को यूपी और रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की कमान। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव होंगे। अजय माकन को कोषाध्यक्ष बनाया गया। जयराम रमेश कम्युनिकेशन का काम देखेंगे। अमित शाह के विपक्ष वाले बयान पर बोले इमरान प्रताप गढ़ी, कहा यह लोकतंत्र है, जिसे जनता जिताएगी वो जीतेगा। मुरादाबाद में किसान सम्मान समारोह, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले सरकार के एजेंडे में किसान भी शामिल, ये डबल इंजन की सरकार है, बोलती कम है करती ज्यादा है। सीएम योगी ने कहा अब कानून से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है, लोग कहते हैं कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण सावी रहे मौजूद। नीतीश के मन में पीएम बनने की इच्छा, ऐसे ही थोड़े छोड़ेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार पर तंज। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार की, अब जनवरी में होगी सुनवाई। मुंबई के आजाद मैदान में 20 जनवरी से फिर भूख हड़ताल करेंगे मनोज जरांगे पाटिल, कहा मराठा आरक्षण लेकर रहेंगे। छगन भुजबल पर बरसे मनोज जरांगे पाटिल, कहा मैं किसी को मैनेज नहीं करता और मुझे किसी पद का लालच भी नहीं। शिंदे गुट की विधायक मनीषा कायदे ने उद्धव ठाकरे को नकली राम भक्त बताया, कहा जिस कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए उसी के साथ खड़े हैं उद्धव ठाकरे। केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप, हॉस्पिटल्स में मरीजों को नकली दवा देने का आरोप, एलजी ने सीबीआई जांच के दिए आदेश। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा मिलने पर भड़की बीजेपी, कहा जनता से खिलवाड़ कर रही है सरकार। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग की, ताकि दूसरी दवाओं की भी हो सके जांच। केजरीवाल को मिले ईडी समन पर बोली सुप्रिया सुले, कहा जब जब इंडिया अलायंस की बैठक होती है तब विपक्ष के नेताओं को समन भेजा जाता है। केजरीवाल को तीसरे समन पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, खुद को कानून से ऊपर समझते हैं अरविंद केजरीवाल, जो चोरी करेगा उनको एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल को तीसरा समन भेजे जाने पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा लेटर, सांसदों के निलंबन पर चर्चा के लिए 25 दिसंबर को बैठक का सुझाव दिया। तेजस्वी यादव को ईडी ने जारी किया समन, लैंड फॉर जॉब मामले में 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। पीएफआई को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा, गल्फ देशों से हवाला के जरिए आया करोड़ों का कैश, गिरफ्तार 5 पीएफआई से जुड़े लोगों से पूछताछ में खुलासा। ईडी के मुताबिक ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए सपोर्टर्स के अकाउंट में जमा करवाया गया कैश, बाद में अपने अकाउंट में कराया ट्रांसफर। वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, कहा भारतीय कुश्ती पर लगा ग्रहण हटा, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ। साक्षी मलिक के संन्यास पर बोले WFI चीफ संजय सिंह, जो राजनीति में आना चाहते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। आजम परिवार को रामपुर कोर्ट से राहत, पड़ोसी से मारपीट मामले में आजम समेत 4 लोगों को किया गया बरी। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत नहीं, कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। संसद सुरक्षा में सेंध के आरोपी महेश कुमावत की कस्टडी 13 दिन बढ़ी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर बोले कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम, पूछताछ का 20वां दिन, हर बार एक ही सवाल और जवाब होता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की तलाश में जुटी सेना, ऑपरेशन में शामिल सेना की 3 अलग अलग यूनिट। जम्मू कश्मीर के अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, फायरिंग में एक आतंकी ढेर, 3 भाग गए। राजौरी और पुंछ में इस साल 27 आतंकी हुए ढेर, भारतीय सेना ने दी इन्फॉर्मेशन। राजौरी एनकाउंटर पर बोले गुलाम नबी आजाद, केंद्र और राज्य सरकारों को सुरक्षा एजेंसियां बढ़ाने की जरूरत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर लिखी भारत विरोधी बातें। हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर सख्त भारत सरकार, विदेश मंत्री बोले अमेरिका के सामने उठाया मुद्दा। आतंकवाद पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 2 टूक, अगर कोई सीमा पार से कर रहा है आतंकवाद तो कीमत चुकानी होगी। हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले से नाराज विश्व हिंदू परिषद, कहा भारत और अमेरिका सरकार मामले को गंभीरता से ले। एयर इंडिया को मिले 20 नए एयरबस A350 एयरक्राफ्ट, फ्रांस से दिल्ली पहुंचे विमान। थाईलैंड में भारतीय नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने स्पेन और इटली नेवी के डिप्टी चीफ से की मुलाकात। कर्नाटक में हिजाब पर फिर से सियासत तेज, पूर्व सीएम येदुरप्पा बोले मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए जल्दबाजी में फैसला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा यह कर्नाटक में शरिया कानून की स्थापना। विवाद बढ़ने पर हिजाब बैन हटाने के बयान से पलटे सीएम सिद्धरमैया, कहा अभी नहीं किया, सब कुछ कानून और संविधान के मुताबिक हो रहा है। प्रियंका खड़गे बोले बीजेपी के पास कोई काम नहीं। बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, कहा बन रहे मेडिकल कॉलेज, हो रही है तरक्की। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटी सरकार, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक। मीटिंग के बाद बोले ब्रजेश पाठक, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में लगाया जाएगा मेडिकल कैंप, तैनात होंगे अतिरिक्त डॉक्टर।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त होगी अचूक सुरक्षा, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बयान। यूपी पुलिस ने 60,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, 27 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। यूपी में 24 और 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक खुली रहेंगी लिकर शॉप, एक्साइज विभाग ने जारी किया आदेश। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, असम मंडप का किया दौरा। राजस्थान में सभी पुराने सरकारी कार्यदेशों पर लगी रोक, टेंडर भी किए गए रद्द। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार, कहा बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुछ काम करके दिखाएं। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रामदासपुरी को पहनाए जूते, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने तक जूते चप्पल ना पहनने का था संकल्प। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह, विदेश मंत्री हुए शामिल। गुजरात के भरूच में प्री वाइब्रेंट कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार पर वादे पूरा न करने का आरोप। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले झूठी गारंटियों का जवाब दे सरकार। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, 20 दिसंबर को पुलिस कार्रवाई के विरोध में कर रहे थे मार्च। पुलिस एक्शन पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पुलिस का रवैया गैर कानूनी, केरल अराजक शासन का गवाह बन रहा है। राजस्थान के शाहपुरा से बीजेपी विधायक लाला राम बैरवा ने एसडीएम को सुनाई खरी खोटी, अतिक्रमण हटाने को लेकर दी नौकरी जाने की चेतावनी। असम के कार्बी आंगलोंग में भारी मात्रा में गोला बारूद और 6 मैगजीन बरामद, 2 लोगों के पास से जिंदा कारतूस भी मिले। बिहार के आरा में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस का लाठीचार्ज, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई छात्र घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी वर्कर्स का प्रदर्शन, सांसदों के निलंबन पर जताया विरोध। नवी मुंबई में ठाणे और बेलापुर रोड पर लगा जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। हरियाणा के मानेसर में टैक्सी चालक की गोली मारकर हत्या, दिल्ली जयपुर हाईवे पर वारदात। नवी मुंबई के पनवेल में एमएनएस की गुंडागर्दी, मराठी नहीं बोलने पर डिलीवरी बॉय को पीटा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, जोजिला दर्रे के पास दिखी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के अटल टनल के पास रोहतांग में हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मदद में जुटी एयरफोर्स, 12 अलग अलग जगहों पर पहुंचाई गई राहत सामग्री। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बांध हुआ ओवरफ्लो, 18 और 19 दिसंबर को भारी बारिश के बाद बढ़ा पानी, मदद के लिए आ गया है तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों को दी राहत सामग्री। हरियाणा में 1 से 15 जनवरी तक सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित, सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी। असम की कछार पुलिस का एक्शन, बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं जब्त, 5 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सांबा में मोटरार शेल फटा, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल हो गया। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर FIR दर्ज, पत्नी को पीटने का आरोप। गाजियाबाद में इंटरस्टेट चोरों के गिरोह का बंडाफोड़, 10 को किया गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में ट्रक की टक्कर से टूटी कनाल, हाईवे पर आया पानी का सैलाब। विजयवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वेतन की मांगों को लेकर नेशनल हाईवे किया जाम। असम में SP पर पावर के दुरुपयोग का लगा आरोप, काजीरंगा नेशनल पार्क के फॉरेस्ट ऑफिसर ने लगाया आरोप। मुंबई के बांद्रा क्रिसमस और नए साल से पहले रोशनी से जगमगाया, 1 किलोमीटर तक की गई सजा। अमृतसर में पुलिस और BSF ने चलाया संयुक्त तलाशी अभियान, एक ड्रोन और 540 ग्राम हेरोइन बरामद। हैदराबाद के अंकुरा हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग। बिहार सरकार ने कोरोना का RT-PCR टेस्ट बढ़ाने का दिया निर्देश, एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर। पिछले एक महीने में वर्ल्ड लेवल पर 52% बढ़े कोरोना के केसेस, WHO ने दी इन्फॉर्मेशन। बेंगलुरु में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया साय परिसर का दौरा, खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और बेंगलुरु में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दिखा अलग अंदाज, बैडमिंटन शूटिंग और बास्केटबॉल में आजमाए हाथ।